नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। अभिनंदन अभिनंदन, तेरा वतन वापसी पर अभिनंदन, लौट आया देश का जाबाज हीरो। कहते हैं ना, जा को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके क्या जग बैरी होए। ये कहावत अभिनंदन ने अपने शौर्य से साबित कर दिखाई। अब आइए देखते हैं संतोष भगत, यूसुफ अली, सोनू गुप्ता के साथ विनय महाजन की ये स्पेशल रिपोर्ट। हम सबने गीत की वो लाइनें तो सुनी होगी, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, जी वाकई इस देश के जवानों का क्या कहना। आज हर एक वो शब्द जो अपने आप में अपनी ताकत रखता हो, लेकिन आज इस जवान या यूं कहें कि इस देश के असली हीरो के सामने अपने आप को फीका सा, छोटा सा महसूस करता होगा, क्योंकि किसी भी किताब में वो शब्द ही नहीं मिलेगा जिससे आज हम अपने हीरो अभिनंदन की तारीफ कर सके। हीरो हम इसलिए कह रहे हैं कि सांप की बिल में हाथ डालकर, उसके फन को कुचलकर आना कोई आसान काम नहीं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत एक शेर दिल ही रख सकता है। अभिनंदन को जब दुश्मनों के बीच और उनकी धरती पर छाती तान कर चलते देखा, तो यूं लगा कि वाकई इसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। तो यार, इस बात पर एक शेर याद आ गया कि बाइबल हो, गीता हो, या हो फिर कलाम, बाइबल हो, गीता हो, या हो फिर कलाम, तेरी इस जिंदा दिली को पूरे हिंदुस्तान का सलाम, पूरे हिंदुस्तान का सलाम, जय हिंद। गोपाल जी, सबसे पहले आपका हम लोग अभिनंदन करते हैं स्वतंत्र सागर न्यूज में। यस, थैंक यू। और आज एक बहुत बड़ी खबर चल रही है। जी हाँ, अभिनंदन का देश में अभिनंदन होने जा रहा है। जी, 14 फरवरी जब ये पुलवामा पे कांड हुआ था, जी, तो पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा था। कहीं ना कहीं आपकी सरकार स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, कितना प्रेशर आप फील कर रहे थे? और आज जब हमने उनके ऊपर अटैक किया, आतंकवादियों को मारा, फिर हमारा एक एयर पायलट वहाँ पे गिरता है, फंस जाता है, और फिर वहाँ से छुड़ा के लाना, इस सारे ही सवालों के जाल को आप किस तरह से क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभिनंदन करेंगे, उन्हें वंदन करेंगे। एक ऐसे देश के सुपुत्र जिन्होंने पूरे देश को, देश का गौरव बढ़ाया, देश के युवाओं के मन में उत्साह जगाई, और जिस तरह से ये सारा कांड हुआ, जैसा पुलवामा से अगर हम स्टार्ट करें, तो भारत देश ने आतंकवाद को बहुत सालों से झेला है। ये बात और है कि पिछले 2014 के पहले और 2014 के बाद में सब हालात बदलते गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार जाकर सारे देश के लोगों को मिलकर एक अपनी सफल कूटनीति का उन्होंने परिचय दिया, और जिससे आपने देखा कि भारत देश का गौरव पूरे दुनिया में दिन ब दिन बढ़ते गया, और उसका पूरा जो बेनिफिट मिलना था वो ऐसे संकट के समय पर हमें सारे देश के लोगों ने एक साथ में खड़े हो गए। पुलवामा पे जब अटैक हुआ तब चाइना ने बहुत खुलकर आए नहीं थे उस सामने, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, जब हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो भारत की ताकत भी पूरे दुनिया के लोगों को पता चल गया कि भारत क्या है आज, 1971 का, 1962 का, 1955 का भारत, और आज 2019 का भारत, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये हमारे देश के सेना का भी हमको गौरव करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर देश को किसी भी प्रकार की आँच आने नहीं दी। जब दो देशों के बीच में जब इस प्रकार की बातें होती है तो ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हमारे देश के बहुत सारे शहीदों ने अपने जाने गंवाई, उनके परिवारजनों को एक बहुत बड़ा संकट का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जब देश में इस प्रकार की बातें बनती है तो सारी बातों को भूलकर एक देश के प्रति गौरव, देश के प्रति सम्मान भी बढ़ता है, वो भी अपने जगह पर उतना ही सही है। देश के नाम को एक संदेश सर, प्लीज। देश के नाम पे संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि देश हमारा आज बहुत बड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सम्मान बहुत बड़ा हुआ है, लोग हमको एक अलग निगाह से देखते हैं, और ये जो अभिनंदन ने जो गौरव हमारे देश के लोगों को प्राप्त करके दिया है, उसी प्रकार का काम हमारे देश के हर नागरिक ने अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक करके अपने देश को और बड़ा करने का प्रयास सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। आफताब साहब, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल ये है
एक सीनियर पत्रकार और एक चैनल के चीफ एडिटर होने के नाते आपने इस खबर पर 24 घंटे 24 पर नज़र रखी है, क्या कहना चाहेंगे सर? 21 फरवरी को हमारे एक जो है कमांडर, जो कमांडर का नाम है अभिनंदन, वो आज देश के हीरो हैं कि वो फाइटर प्लेन लेकर के इसलिए जा रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ फाइटर प्लेन को खदेड़ रहे थे, और खदेड़ते समय उनका पायलट किसी तरह मान है वो क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के बाद जो है वो पैराशूट से उतर के, आपको मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि ये एकदम बिल्कुल ट्रू है कि जब वो उतर रहे थे, पैराशूट से उतर रहे थे, और जब वो ज़मीन पर आए तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये हिंदुस्तान की ज़मीन है या पाकिस्तान की ज़मीन है, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि ये पाकिस्तान की ज़मीन है, उन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को निगल लिया, और फिर जो है फिर उस वक्त भी उस बंदे ने ये जानने के बावजूद भी, ऐसा हमने देखा है कि उसने फाइट करने की कोशिश की बिना डरे, उसकी जान हथेली पे थी, उसके बाद किसी तरह से उसको पाकिस्तान आर्मी जो है अपने पास लेकर के आते हैं और उनसे पूछा जाता है, पूछताछ होती है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जो एक वीडियो वायरल हुआ है पाकिस्तान से उसके उनके कन्वर्सेशन का, कि अभिनंदन चाय पीते हुए बिना खौफ, कोई खौफ उनके चेहरे पे न था, न डर था, कुछ नहीं था, हमारे देश का ये जवान है ना, और उसके चेहरे पे जरा भी, और वो बिना किसी भी खौफ और डर के पाकिस्तान आर्मी से बात कर रहे थे, और जितना इन्फॉर्मेशन उनको देना था उतना ही दे पा रहे थे, उससे अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये जब वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद जो है लोगों की सांस में सांस आई कि अभिनंदन एटलीस्ट सही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सदन में एट लास्ट में उन्होंने ये कहा कि मैं एज ए पीस गेस्टर मैं अभिनंदन को कल रिहा कर रहा हूँ, जो कल आज है, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे अभिनंदन मेजर हमारे देश आ चुके हैं, हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो ये जस्ट अभी आ चुके हैं। अब इसको अलग अलग तरह से लोग देख रहे हैं, कोई देख रहा है कि पाकिस्तान ने डर से दिया, कोई कह रहा है कुछ, कोई, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा जो शेर जवान था जो वहाँ गया और पाकिस्तान में चाय पीकर सही सलामत लौट आया, इसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि उस 40 जवान, जो हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए हैं, उसका गम आज भी है और हमेशा रहेगा। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। बोलिए। आपने देखा कि 14 फरवरी को देश पर एक अटैक होता है और कई जवान शहीद होते हैं। बराबर। आप एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं, आपने तब से अब तक न्यूज़ देखी होगी। जरूर। फिर हमारे देश ने कुछ अटैक किया उसके ऊपर। बराबर। फिर हमारा एक एयर विंग कमांडर उन्होंने पकड़ लिया, आज लौटाया जा रहा है, तो इस पूरी कहानी के ऊपर, पूरी न्यूज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, वो तो देश प्रेमी है वैसा, जैसा उन्होंने एक युद्ध कैदी करके उनको पकड़ लिया था, उनको रिलीज करना हो तो जरूर था जिदेवा करार के हिसाब से, और उसके साथ में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जैसा अभी मोदी जी ने उनको प्रखर स्टेटमेंट दिया था कि आप उनको छोड़ना ही मांगता है, तो उस हिसाब से उन्होंने छोड़ दिए वैसा, और उसके बारे में हम लोग तो बहुत खुश है, एज ए इंडियन करके हम लोग बहुत खुश है उसमें। क्या मैसेज एक आम नागरिक के नाते क्या कहना चाहिए? वो सही कर रहे हैं, पर वैसे ही उन्होंने करना मांगता है ऐसा।